एज यू ऑल नो किया फोनेट इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, जो कि साउथ कोरियन ऑटोमेकर कंपनी किया मोटर्स की इंडिया में थर्ड कार है। माना जा रहा है कि किया फेल्टोस की सक्सेस के बाद किया मोटर्स की अगली सक्सेसफुल कार यही होने वाली है, क्योंकि ये कार एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और इस कार को अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट कार माना जा रहा है। किया मोटर्स के लाइनअप में ये कार किया मोटर्स की एसयूवी किया फेल्टोस से छोटी कार है, लेकिन किया फोनेट को फेल्टोस से ही इंस्पायर किया गया है और गाड़ी के डिजाइन एंड लुक से लेकर इंटीरियर तक काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। यहाँ तक कि कुछ फीचर आपको किया फेल्टोस से डायरेक्टली फोनेट में भी मिल जाते हैं और गाड़ी की कीमत भी फेल्टोस से और सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा कम है। इस वीडियो में मैं आपको फोनेट के बारे में बताने वाला हूँ और इस कार में क्या कुछ फीचर्स आपको मिलने वाले हैं जो कि सेगमेंट की, जिनकी वजह से किया फोनेट सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से आगे निकल जाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि किया फोनेट सेगमेंट में हुंडई वेन्यू से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है और किया फोनेट के इंजन से लेकर प्लेटफॉर्म तक हुंडई वेन्यू के जैसा ही है, लेकिन कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर को बदल दिया गया है, जिसकी वजह से दोनों ही कार की रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अलग है। बात करें फोनेट के फीचर्स की तो किया फोनेट में आपको सबसे अच्छी बात बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल जाता है। दोस्तों, एम्बिएंट लाइटिंग के साथ और बोस के साउंड सिस्टम के साथ किया फोनेट का इंटीरियर सेगमेंट के बाकी गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, क्योंकि फोनेट के इंटीरियर में आपको फोन के हिसाब से मूड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से रात के टाइम जब आप गाड़ी का म्यूजिक वगैरह सुन रहे होते हैं तो आपका फील कुछ और ही होगा। एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन दोस्तों आपको एक फुल साइज एसयूवी या फिर 10 लाख रुपए से ऊपर की कार में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन फोनेट में भी आपको यही फीचर अब आने वाले टाइम में मिला करेगा। किया फोनेट के इंटीरियर में अगला फीचर है 10.25 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम, जो कि सीधे किया फेल्टोस से ही ली गई है। किया फोनेट की ये बड़ी फी 10.25 इंच की टच स्क्रीन टच सिस्टम सेगमेंट की बाकी कार से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और कार की इस टच स्क्रीन टच सिस्टम में आपको किया मोटर्स की तरफ से यूवीओ कनेक्टिविटी सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से ये कार कई सारे कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करती है। देखने में भी ये बड़ी फी टच स्क्रीन टच सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम अपील दे रही है और इस टच स्क्रीन टच सिस्टम को एक बड़े से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ जोड़ा गया है, जिसके बाद इस बड़ी टच स्क्रीन सिस्टम का अट्रैक्शन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और कार का इंटीरियर भी इस बड़ी टच स्क्रीन सिस्टम के साथ प्रीमियम सा लगता है। किया फोनेट में अगला फीचर होगा स्मार्ट एयर प्यूरीफायर का। ये फीचर आपको सेगमेंट की इसी कार में ही देखने को मिलेगा। किया मोटर्स का दावा यह है कि दोस्तों ये एयर प्यूरीफायर वायरसेस वगैरह को भी किल करता है और बाहर से आने वाली हवा को इंटीरियर में फिल्टर करके अंदर भेजता है। ये फीचर दोस्तों काफ़ी अच्छा है और सेगमेंट की इसी कार में ही दिया जाता है। कार के इस एयर प्योरीफायर और एसी वेंट्स को आप कार के अंदर टच स्क्रीन टच सिस्टम से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये फीचर भी काफ़ी अच्छा फीचर है और कुछ महंगी गाड़ियों में ही देखने को मिलता है, जो कि किया सोनेट में दिया जा रहा है, तो उससे भी कार थोड़ी और ज़्यादा प्रीमियम अपील देती है। वहीं कार के इंटीरियर में एक और अच्छा फीचर ऐड किया गया है कि कार में अभी वेंटिलेटेड सीट्स को फीचर किया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स के साथ भी किया सोनेट अपने सेगमेंट में इकलौती कार है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वेंटिलेटेड सीट कार के अंदर कंफर्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती हैं, क्योंकि लंबी जर्नी में ये पैसेंजर सीट्स कार के अंदर बैठे हुए पर्सन को अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करती है और अच्छा वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से थकान कम होती है और गर्मियों के टाइम में ये किसी वरदान से कम नहीं है। और इसी के बाद किया फोनेट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो कि बाकी कार्स में भी मिलते हैं, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स के साथ यही वो कार है जो कि सेगमेंट में मिलती है और ये फीचर भी इस कार को थोड़ा प्रीमियम बनाता है और कुछ प्रीमियम अपील दे रहा है। हालांकि आपको वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट की 2 फीट ही मिलेंगी। बात करें इसके इंजन ऑप्शंस की तो किया फोनेट में आपको हाल फिलहाल हुंडई वेन्यू की तरह ही 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला इंजन ऑप्शन होगा सबसे छोटा, जो कि 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन का होगा, जो कि आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक और IMT ट्रांसमिशन ऑप्शन में मिलने वाला है। दूसरा इंजन ऑप्शन 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन का होगा, जो कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में ही मिलेगा। और तीसरा इंजन ऑप्शन 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन होगा और ये इंजन भी मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ही दिया जाने वाला है। मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे अच्छा इंजन इस कार का 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन है। हुंडई वेन्यू की तरह ही इस कार में भी आपको IMT ट्रांसमिशन ऑप्शन, मतलब इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलने वाला है। इस ट्रांसमिशन ऑप्शन में दोस्तों कार में गियर चेंज करते वक्त आपको क्लच की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये फीचर अभी हाल फिलहाल सेगमेंट में 2 ही कार्स में मिलता है। बाकी बात करें फोनेट की कीमत की तो इस कार को सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइस में लॉन्च किया गया है। कार के इंडिया में शुरुआती शुरू कीमत 6,72,000 रुपये से शुरू होकर करीब करीब 13 लाख रुपये तक जाती है और इस प्राइस पॉइंट में मेरे हिसाब से किया फोनेट दोस्तों एक बेस्ट कार है। इस कार को इंडिया में GT लाइन और ST लाइन में लॉन्च किया गया है। ST लाइन में इसमें आपको थोड़ा सा स्पोर्टी फील देखने को मिलेगा, जैसे कि कार में कुछ अलग से रेड कलर के इवेंट देखने को मिलने वाले हैं।
वैसे पर्सनली आपको किया फोनेट कार कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसे इंटरेस्टिंग और वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।